सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। हम बच्चों को फरिश्ता बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। अगर त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं, दोनों रचना अति प्रिय है, इसीलिए रचता और रचना को देख भगवान अव्यक्त बाप दादा हर्षित होते हैं। रचना सदा यह खुशी के गीत गाती कि वहां रचता, और रचता सदा यह गीत गाते वहां मेरी रचना। रचना प्रिय है, जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंध से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया, शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया, सतगुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते, यह अविनाशी स्नेह व प्यार। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी, कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। तो बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दाता विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है, जिसको तीनों रूप से प्राप्ति हो ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। बाबा कहते हैं दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा, शिक्षक के रूप में वो याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट है, इस भाग्य का नशा रहेगा। बाबा आज कितने प्रकार के नशा हम अपने आप को चढ़ा सकते हैं, उमंग में रख सकते हैं, वो बातें बाबा बता रहे हैं। सतगुरु हर कर्म में वरदानों से चला रहा है, हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। सतगुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है, गति सदगति को प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति अपनी स्वीट हम अर्थात गति और स्वीट राज्य अर्थात सदगति इसी को तो प्राप्ति करते ही हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है, वो है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। भगते यह श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम पर ही ब्राह्मण को प्राप्त है, इसीलिए कहते हैं जैसी मत वैसे गत, माने जैसे मति वैसे गति। भगते अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो, ये संगमिक का, इसी को कहते हैं एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो, कभी मिल जाएगा वह भविष्य मिल जाएगा, यह दिलासे का सौदा नहीं है, तुरंत दान महापुण्य ऐसी प्राप्ति है। और भी बाबा सुंदर सी बात कह रहे हैं, इसको कहते हैं झटपट का सौदा।
भक्ति में इंतजार करते रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में है कभी और बाप कहते हैं अभी। कितनी सुंदर बात है कि भक्ति में कहते हैं कभी लो लेकिन बाप कहते हैं अभी लो। आदि स्थापना में, आदि स्थापना में आपकी प्रसिद्धता थी कि यहां साक्षात्कार झटपट होता है, और होता भी था तो आदि से झटपट का सौदा हुआ। इसी को कहते हैं रचता का रचना से सच्चा प्यार। सारे कल्प में ऐसा प्यार कोई हो ही नहीं सकता है। बाबा तुमसे हुआ है प्यार ऐसा कल्प में पहली बार। कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हो लेकिन यह है अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति। तो ऐसा प्यार कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। अभी हमें मोहब्बत में रहना है, बाबा को इतना प्यार करना है, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। वरदानी सदा वर्ष के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। भाग्य विधाता शिक्षक के भगवान के हम भाग्यवान बच्चे सदा पास विद अनर होते हैं, ना फेल होते हैं ना कोई व्यर्थ फील करते हैं। बाबा यहां और भी गहराई बात बता रहे हैं, मेहनत करने का कारण दो ही है, या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते हैं, वह संबंध संपर्क में चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में फेल हो, मतलब व्यर्थ में फेल कर देते, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। फ्लू क्या करता है? एक तो शेकिंग मतलब हलचल में लाती है, उसमें शरीर हिलता और यह आत्मा की स्थिति हिलती है, मन हिलता है और मुख कड़वा हो जाता है। यहां भी मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते हैं, और क्या होता है बाबा बोल रहे हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है। यहां भी जब फीलिंग आती है, अंदर जोश आता है, गर्मी चढ़ती है, इसने ऐसा क्यों कहा, यह क्यों किया, यह जोश अनुभवी तो होना। और क्या होता है, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है। यहां भी कोई अच्छी ज्ञान की बातें भी सुनाएंगे तो भी उनको अच्छी नहीं लगेगी, आखिर रिजल्ट क्या होती, कमजोरी आ जाती है। यहां भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है, इसीलिए ना फेल हो ना फील करो। तो क्या करना है, बाबा कहते हैं शुद्ध फीलिंग में रहें, मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई मैं आत्मा हूं, मैं देव आत्मा महान आत्मा ब्राह्मण आत्मा विशेष पाठधारी आत्मा हूं। इस फीलिंग में रहने वाले को कभी भी जो फीलिंग वाला फ्लू है, मतलब व्यर्थ फीलिंग वाला फ्लू है, नहीं होगा, वो शुद्ध फीलिंग में रहेगा। और जहां शुद्ध फीलिंग होगी वहां अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। तो बाबा कह रहे हैं ये जो मेहनत से बच जाएंगे, सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से बढ़ रहे हैं, वरदानों से उड़ रहे हैं, वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं। तो आप पूछ रहे हैं मेहनत अच्छी लगती है क्या, तो हम बच्चों को क्या करना चाहिए, बाबा से इतना प्यार हो, मेहनत नहीं सिर्फ 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 मोहब्बत। तो बाबा की मोहब्बत में रहेंगे तो हमें सफलता मिलती जाएगी, क्योंकि 63 जन्म करते करते थक गए हैं, अभी संगम पर बाबा से मोहब्बत और श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर हमें फरिश्ता बनना है। तो बाबा आज हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी, ऐसे फॉलो फादर करो। बाबा कहते कर्म भले साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो, चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। जैसे लौकिक रीति में कोई बच्चों की चलन और चेहरे बाप समान होता है, यहां चेहरे की बात नहीं लेकिन चलन ही चित्र है, हर चलन से बाप का अनुभव हो, ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति हो, तब कहेंगे बाप समान।
बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, जो इक्र स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है वही सच्चा तपस्वी है। तो यह अव्यक्त महीने में हमें अव्यक्त सोमान हर दिन लेना है। मैं संपूर्ण फरिश्ता बाप समान आत्मा हूं, बाबा के प्यार में लवलीन स्थिति का निरंतर अनुभव करना है, अतीन्द्र सुख का अनुभव करना है, सुखदायी झूले में झूलना है। इसी प्रकार मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाबा की याद रहना है कि सर्वशक्तिमान बाबा निरंतर मुझे अपनी शक्तियों की किरणें बरसा रहे हैं मेरे ऊपर, और मैं आत्मा शक्तिशाली पावन बनती जा रही हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।